पप्पू मनोहर से कहता है कि उसकी मरम्मत करते समय उसके स्कूटर को मारना बंद करें। तिवारी और अनु और डेविड दिखाई देते हैं। तिवारी गुस्से में आता है और स्कूटर को लात मारता है और वह पप्पू से अंगूरी को छोड़ने के लिए कहता है। पप्पू उससे कहता है कि अगर उसने यहाँ पर उत्पात किया तो वह उसे भी गिरफ्तार कर लेगा। अनु पूछती है कि उसने अंगूरी को क्यों गिरफ्तार किया है। पप्पू उसे बताता है कि अंगूरी ने उसे थप्पड़ मारा है, भले ही उसने उसे रोकने की कोशिश की हो, लेकिन अनु पूछती है कि उसने विभू को क्यों गिरफ्तार किया है। पप्पू तिवारी से कहता है कि अपना चेहरा ढांकना बंद करें और यहाँ पर विभू के खिलाफ उसने कुछ भी रचा था और वह सब बताता है। तिवारी सब कुछ समझता है और हर कोई पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। महिला कैदी ही अभी अंगूरी को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है और अंगूरी मना कर रही है। हर कोई अंदर आता है और पप्पू को रिहा हो जाता है और अंगूरी और विभू तिवारी अंगूरी से पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंची। अंगूरी जवाब देती है कि सब अनु की वजह से हुआ है और अनु पूछती है कैसे और अंगूरी कहती है कि मैं विभू से प्रताड़ित करता था और अनु हंसती है और तिवारी से अंगूरी को सब कुछ समझने के लिए कहती है। अंगूरी हंसने लगती है और वह कहती है कि अम्मा जी ने भी उसे उस पर नज़र रखने की सलाह दी थी। और यहाँ पर सीन काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है, जहाँ पर फिल्म मेकर्स के बारे में जानने के लिए भी बाद में यहाँ पर निश्चित हो जाता है। जहाँ पर आप सभी इसे आगे के एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट से समझना बिल्कुल न भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।